सिंप्लीफिकेशन ये एक क्वेश्चन है बॉर्ड मार्क्स का, जिसको सॉल्व करने में अक्सर लोग रॉन्ग आंसर ही निकालते हैं। तो आज इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, बॉर्ड मार्क्स का रूल अप्लीकेबल होगा, और बॉर्ड मार्क्स में सबसे पहले हमारा डिवाइड आता है। तो यहाँ पर सारे ही डिवाइड है, तो हम कौन सा टर्म सबसे पहले डिवाइड करें? तो हमेशा लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड हम 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 सबसे पहले इसको लेंगे। दोनों सेम है, ए डिवाइडेड बाई ए, अगर कोई नंबर सेम है उसको डिवाइड करते तो उसका हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 इक्वल टू 1। अब आगे के टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे। डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1/9 को हम लेंगे। अब हमारा डिवाइड का साइन जब चेंज होता है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई 9 है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/1 हो जाएगा और साइन हमारा चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। तो ये 9 times 1 ये आ गया हमारा 9। तो 1 divided by 1/9 हो गया हमारा 9। फिर अगेन जो 2 टर्म्स बचे हैं उसको हम एज इट इज़ लिख दें, 1/9 divided by 1/9। अब इसके बाद फिर 9 divided by 1/9 को हम सॉल्व करें तो अगेन रेसिप्रोकल कर ले हम। 9 divided by 1/9 है तो 1/9 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 times 9। 9 times 9 क्या हो गया हमारा, 81। तो 9 divided by 1/9 इक्वल टू आ गया 81। अब 1/9 को एज इट इज़ फिर से लिख लें, अगेन फिर रेसिप्रोकल कर दें। 81 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 times 81 हमारा क्या होता है, 729। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सी प्रॉब्लम का सिंपल आंसर 729।